नहीं भैया हमारे जैसे मॉडल लोग नहीं पहन सकते, घर से बाहर निकाल देंगे मेरी दादी मेरे को। एंड इट्स टू टू बिग मार्केट भाई, खत्म ही नहीं हो रहा, हम चलते जा रहे। सही है, सही है। नमस्ते, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आई एम गोपाल एंड ब्लॉगिंग टुडे को लाइक जस्ट द ब्लॉगिंग। आई एम जानवी एंड आज हम कर रहे बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चैलेंज एंड इट्स अ शॉपिंग चैलेंज। तो नॉर्मली आप मेरे चैनल पे फूड चैलेंज और ऐसे अतरंग पतरंग चैलेंज देखते हो, और ये वाली जो वीडियो बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी की हुई है, हम ऐसे बहुत नया क्रिएटिव अतरंगा सोच के निकला है। बस हम इसमें अपना एक थोड़ा सा तड़का ऐड करेंगे, अपना थोड़ा झटका ऐड करते हैं। तो इस वीडियो में हम दोनों के पास बजट है 10,000 रुपीज का। एक को मिलेगा जारा और एक को मिलेगा बांद्रा हिल रोड, बांद्रा हिल रोड। ओके, पता है जानवीर को इतनी बार करेक्ट। आई एम वेरी एक्साइटेड। यस, इवन आई एम वेरी एक्साइटेड। व्हाट डू यू वांट? पता है तो स्ट्रीट शॉपिंग वगैरह में ना जानवी इज स्मार्ट, तो मेरे को पता है इसके कपड़े मुझे भी आएंगे। तो अगर वैसे कपड़े तो मिलेंगे, बट इट्स अबाउट द चॉइस ऑफ कपड़े। देखो क्या चाहिए, बांद्रा हिल रोड और जारा। यार सो मैं ना मतलब ऐसे शॉपिंग के मामले में बहुत ही अच्छी हूँ, तो मुझे जो भी मिल जाएगा मैं वो कर लूंगी। नहीं, आई गो विद जारा क्योंकि जानवी कैन एक्चुअली ब्रिंग मोर नाइस क्लोथ्स देन मी फ्रॉम हिल रोड। और वो क्या हमारी साइज से मैं पहन ले तो मुझे भी, तो मैं मेरा फायदा देखू ना थोड़ा। डेढ़ चढ़ी गोपाली, मुझे कुछ भी चलेगा। नहीं पर फिर भी ऐसे तेरा ही मुझे कुछ भी चलेगा। सॉफ्ट कॉर्नर मुझे कुछ भी चलेगा। मुझे कुछ भी चलेगा, कुछ भी चलेगा। मम्मी मार के बोल रही है। Yes, hello, मम्मी। मैं भी चाहती हूँ कि जानवी को हिल रोड की मिले और मुझे ज़ारा मिले। ये हमारे पास कॉइन है जानवी, तू हेज ले गया टेल्स। देखिए एक रुपया लिख के आना तो मैं ज़ारा लूंगी। ये कैसा डिसीजन, तू हेज ले। अच्छा एक रुपया लिख के आया ना तो आई चूज व्हाट आई वांट। वो चल आई विल डिसाइड किसको क्या मिलना चाहिए। तो आई टेक हिल रोड एंड जानवी शॉप फ्रॉम ज़ारा, बिकॉज मैंने कभी ऐसे वो नहीं किया। मैं सरोजिनी नगर पहली बार अपनी स्ट्रीट शॉपिंग वाले उस पर जा पाई थी। चलो चले मितवा, ये धरती अपनी है, अपना अंबर है रे। आज हम ज़ारा जा रहे हैं, कल हम हिल रोड जाएंगे क्योंकि हम ऑलरेडी थोड़ा लेट चल रहे हैं एंड मुंबई का ट्रैफिक इज अनदर लेवल। सो लेट्स गो। After 1.5 hours of drive, we are finally here. And this looks too pretty. कितना सुंदर लग रहा है। मैं ना दूर से दिख रहा था, मैं तो रिकॉर्ड करने लगी थी। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। जानवी कहते हमको यही जाना है दीदी। जानवी सुन मेरी बात, सुन रूल है, तू सिर्फ चप्पलें नहीं खरीद सकती, ठीक है? वही चप्पलें मारूंगी मैं तेरे को। हमारे ज़ारा में कम ऑप्शन होता है, इतना दिक्कत नहीं होता, इधर बहुत ऑप्शन है, दिक्कत है। गाइस ये हम आ चुके हैं तोता सेक्शन में, ये देखिए तोता सेक्शन। कुछ बहुत ज्यादा पसंद सबसे बड़े ज़ारा में लेके आए हैं और मुंह बना रही है बढ़िया ही। ओ यस दिस इज नाइस। कितने का है दिखाइयो। सुन मेरी बात, 10,000 में से मेरे को एक 1,000 की हुडी दे देना, बहुत ठंड है इधर, बहुत ठंड है यार। इवन आई लाइक दिस जानवी, दिस वन इज वेरी दिस और दिस, आई लाइक द पिंक वन। गाइज यहाँ पे जो जो जानवी को अच्छा लग रहा है एक्चुअली वो जानवी को फिट ही नहीं आ रहा है। जानवी ने 2-3 पैंट्स उठाई, वो सारी बहुत लंबी थी। सो मम्मी यहाँ पे ना दो बहुत सुंदर आंटी शॉपिंग कर रही है जानवी के लिए, ये उनका, ये जानवी का और यशवी का फ्यूचर है। दिस इज आवर एडवांटेज कि हम किड सेक्शन से भी खरीद सकते हैं। अगर किड सेक्शन में नहीं आता था ना तो ये चैलेंज बहुत डिफिकल्ट हो सकता था लाइक मेरे लिए। ले 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 ले। ये कैसा लग रहा है? यार बहुत अच्छा क्यूट है यार, बहुत क्यूट है यार। कितने का है ए, इसके लिए तो ये महंगा है। वेरी नाइस, यू लुक वेरी गुड हियर। वी गॉट सम स्टफ बट मेरे को ऐसा होता है कि मेरे को H&M जाना है। जानवी वांट्स टू गो। कब से आई, कब से? क्योंकि ज़ारा सूरत में है, ये बड़ा है फिर भी मेरे को कलेक्शन तो ठीक ही ठाक सा लगा। मतलब बड़ा है तो बस जगह बड़े से फूल आप गोल गोल घूम घूम के शॉपिंग कर सकते हो, वैसा वाला फीलिंग था। बच्चों का तो सेक्शन बहुत कम। सो गाइज अब हम कल जाएंगे बांद्रा हिल रोड, सो वहाँ पे हम ब्लॉग करेंगे एंड अभी के लिए दैट इज इट। भैया फुल पैंट्स का क्या है?
गाइस 10,000 में से 200 रुपए हमने रिक्शे से उतरते ही खर्च कर लिए थे, दो शॉट्स ले लिए थे, पर इतना पैसा है ना मेरे पास, मैं आपको क्या बताऊँ आज, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं, पूरा मार्केट लंबा है, लंबा मार्केट ही, यू विल गेट जीन्स, फ्लेयर जीन्स, ये ऐसा वाला भाव बोले, बोले भैया दे दो आप, भैया मैं ज्यादा लूंगी, आप मुझे भाव करके दे, और मैं आपको ना और लोगों को भी भेजूंगी दे मेरे चैनल से, आप चिंता मत करिएगा सर, ये मैं भी लगाने वाली हूँ। और बताए ये देखो मैंने लगाए ये हिल रोड के चश्मे, ये मैडम ने मैंगो का चश्मा पहन रखा है, देखो रिच पार्टी, और मैडम जी ने कल जो जारा से आउटफिट खरीदा है वो पहन भी लिया है, सब्र बिल्कुल नहीं है, ये कितने कूल लग रहे हो आप, लग रही थी तो सबने, मम्मी ने भी, मम्मी ने 200 रुपए वाला चश्मा लगा लिया, चलो चलो चलो, अच्छा लग रहे हो, बहुत कूल लग रहे हो, क्यूट लग रहे हो, फुल भैया दिखाओ ना मुझे एक बार, मैंने ना बोला तो तेरा शॉपिंग चले, तूने कल दो जोड़ी कपड़े खरीदे 10,000 में, खूब करती है, सही है, सही है, दे गॉट सम स्टफ एंड सम इंटरेस्टिंग स्टफ अच्छे प्राइसेस पे, क्योंकि हमारे सूरत में ना स्ट्रीट मार्केट इतना अच्छा है नहीं, ना पतला है ना कि कहाँ खो जाएगा पता भी नहीं, सोने से ज्यादा इतना उलझ जाएगा, ये बहुत अच्छा लगेगा, ये सच अ बिग मार्केट है। और ये चश्मे भी आप बन के देख रही है, वाह क्यूट लग रहा है ना, नहीं मेरे को तो इतना अच्छे नहीं लग रहे, बहुत छूट है यार, बहुत छूट, ये सही है, तू अपने आप को देख भी सकती है, नहीं भैया हमारे जैसे मॉडल लोग नहीं पहन सकते, घर से बाहर निकाल देंगे मेरी दादी मेरे को, ये बहुत जल्दी फेड हो जाता है भैया, सूरत से वापस आना, सूरत से वापस आऊँ मैं भैया, टिकट आप देना मुझे, प्लेन का टिकट सूरत से, यंग लेडी बुटीक यहाँ पे आप आओ, आपको सारी जीन्स से भैया कस्टमाइज करके आपके हिसाब से कच वच मार के दे देंगे, जानवी ने अपने हिसाब से सब कस्टम करवा लिया, तो ये कहना चाहूंगी बिकॉज यहाँ पे मैंने काफी सारे कपड़े निकाल निकाल के इसके नाम पे दिए हैं, मैं ये कहना चाहूंगी आपको कि आपको ना अंदर अंदर जाके ढूंढना पड़ता है, ठीक है, बाहर जाके हाँ ये बात जानवी बिल्कुल सही बोल रही है कि अंदर अंदर ढूंढना पड़ता है, जो मैंने बहुत अच्छा ढूंढा है, गाइस यू कैन आल्सो गेट सम नाइस इंडियन वेयर हियर, बहुत सुंदर सुंदर है, क्या मस्त हवा चल रही है, गर्मी बहुत ज्यादा है पर हवा बहुत अच्छी है, यहाँ पे बहुत सारी मस्त बेड्स भी हैं, आई लाइक द बोल्ड वन, दिस वन, यस अ लॉट ऑफ चॉकलेट, देखा हाउ आई फाइंड क्यूट स्टफ एंड हाउ यू फाइंड बोरिंग स्टफ, दैट्स द रीजन यू नीड मी, यू नो दैट यू नीड मी, जूट गाइस बहुत बड़ा मार्केट है, मतलब चलते जा रहे चलते जा रहे खत्म ही नहीं हो रहा, बट वी वोंट क्योंकि हमें सब कुछ मिल गया है, एंड इट्स टू कूल बिग मार्केट भाई, खत्म ही नहीं हो रहा, हम चलते जा रहे और मन भी नहीं कर रहा है रुकने का, तो मैं मेरे बजट पे तो पहुंच चुकी हूँ, बट आई स्टिल वॉन्ट टू एक्सप्लोर मोर, इतने सुंदर सुंदर बच्चों के कपड़े, कितने क्यूट हैं, तुम इतने छोटे बने रहते तो लेते रहते मैं वैसे बहुत बड़ी हुई नहीं हूँ मम्मी, गाइस कल मैडम को ये 2,000 में मिल रहे थे, आज 200 में मिल रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, दिस गर्ल इज क्रेजी, गाइस ये हम लोग क्रॉकरी के बीच में कपड़े डाल के इसको सबको पैक कर रहे हैं, क्रॉकरी डाल के पैक कर रहे हैं, वही एक ही बात है ना, कैसे पकड़ो या वैसे पकड़ो, तो हम भाई क्रॉकरी और कपड़े को बैलेंस कर रहे हैं, हेलो गाइस वी आर बैक होम, और मैं आपको दिखाती हूँ कितने कपड़े लेके, मैं भी दिखाती हूँ, ये देखो इतने सारे कपड़े, और सिर्फ कपड़े ही नहीं है मेरे पास, यहाँ पे वो भी है क्रॉकरी भी है और चप्पल भी है, चप्पलें भी हैं और सब है, हाँ सब है अपने पास 10,000 रुपए में, मैं तो चालू करूंगी तो बंद होना बहुत मुश्किल है, इतने सारे कपड़े ना, ठीक है तो पहले मैं दिखा देती हूँ, ओके द फर्स्ट थिंग दैट आई हैव इज दिस शॉर्ट्स, ये एक व्हाइट एंड ग्रीन कलर के टेक्सचर्ड शॉर्ट्स है एंड एकदम एमिली इन पेरिस वाइब देते हैं, एंड देन वी ऑल्सो हैव अ क्रॉप टॉप, हाँ ये पहन चुकी है हाउस टूर में ऑलरेडी, तो ये ऐसा दिखता है बहुत प्यारा है, ये किड सेक्शन से है, टॉप की प्राइस है 1590 एंड पैंट की प्राइस है 1990, ये 11-12 इयर्स का है, तो अगर आप हमसे भी थोड़े और बड़े हो तो आप 13-14 वाला ले सकते हो, हाँ आ जाएगा आपको, देन आई गॉट दिस टॉप
टॉप, ये बहुत सुंदर सा एकदम ऐसे गोवा वाइट टॉप है, सो मुझे लेना ही था। टाई अराउंड है ऊपर से एंड इसको कौन सा मटेरियल कहते हैं, आई गेस क्रोशिया मटेरियल है ये। एंड दिस इज फॉर ₹1890। देन आई हैव दिस बॉडीकॉन ड्रेस इन नियॉन कलर, ये बहुत सुंदर है और बहुत अच्छी लगती है। जानवी को उसने सारे कलर खरीदने थे, हाँ क्योंकि ये बहुत मेरी वाइब है और गर्मियों के लिए बहुत अच्छी है। और इसकी प्राइस है गाइस, बहुत खुशी होती है बताते हुए, 990। ये एक्चुअली जानवी में पहनी थी और ये एक ऐसी चीज है जो प्राइस के लिए काफी वर्थ इट लगी। हाँ इसका मटेरियल भी बहुत अच्छा है, स्ट्रेचेबल भी है, सो दिस इज नाइस। एंड देन आई हैव अ बेसिक ब्लैक क्रॉप टॉप क्योंकि मुझे चाहिए था, ये भी किड सेक्शन से है एंड दिस इज फॉर ₹550। लास्ट थिंग दैट आई हैव इस दिस ड्रेस जो मेरी बहन ने पक्का ट्राई आउट की होगी, इसके लिए ये झूठ है, मैंने सचमुच नहीं की, सच मैं मानू ही कैसे, इसमें मेरे कपड़े पहन रहे। ओके सो ये Y2K प्रिंट में बहुत क्यूट सी ड्रेस है, आगे आगे वी है और ये बहुत अच्छे से फिट होती है हमें। एंड इसकी प्राइस है 2890, ₹2890 की ये ड्रेस है ओनली। बट इसका मटेरियल आप देखो, इट हैज वो पैटर्न गोइंग ऑन, क्या कहते हैं, स्ट्राइप पैटर्न गोइंग ऑन। सो या दैट इज ऑल आई गॉट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वाले जिसका झोला पूरे टाइम मैंने उठाया। हाँ सही बात है, तो इसमें बहुत सारी चीजें लेके आई हूँ, बट उससे पहले ना आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपकी सिटी का नाम और आपकी सिटी में आपका फेवरेट लोकल मार्केट है। तो मैं सूरत में रहती हूँ, सूरत में है एक आधो लोकल मार्केट, पर वहाँ पे ऐसे ट्रेंडी चीजें सस्ते नहीं मिल पाती, जैसे दिल्ली पे सरोजनी है, मुंबई में चले जाओ आपको हिल रोड और कोलाबा वगैरह मिल जाएगा। डू लेट मी नो आपकी सिटी में ऐसा कौन सा मार्केट है, ताकि हम अगर कभी वहाँ आए तो हम वो भी एक्सप्लोर कर सके। सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस वेरी ब्यूटीफुल फ्लोई ड्रेस, ये फुल ऐसे नीचे तक जाती है, बहुत सुंदर है ये। एंड दिस वॉज जस्ट फॉर ₹600। आई लव द कलर, आई लव द फैब्रिक, और ये सिर्फ मस्त हवा हो जाता है पहनने के बाद। ये हमने ली थी ये ब्लैक जीन्स जो ₹700 की थी, ये हमारी साइज की नहीं थी, भैया ने खड़े खड़े इसको हमारा साइज का किया था और कट भी लगा दिया था। चांदी को यहाँ पे कट चाहिए था तो हमने यहाँ पे कट भी लगवाया, एकदम सिंपल मिनिमल कट चाहिए था मुझे। और इसकी फिट बहुत 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 अच्छी है, बिल्कुल हमारी साइज की है। दो जीन्स वगैरह आप ऐसे स्ट्रीट मार्केट में खरीदते हो तो साइज का थोड़ा बहुत इशू आ जाता है, बट ये वाली शॉप से हमें बड़ा सही मिल गया था। सो यस नेक्स्ट गाइस, सेम जैसी वो ब्लैक जीन्स है वैसे हमने एक ये व्हाइट भी लिया है। मुझे ना गर्मियों में ऐसी चिपकी चिपकी टाइट जीन्स बिल्कुल नहीं पसंद है, स्किनी जीन्स बिल्कुल नहीं पसंद है, तो इसलिए मैं ऐसे ढीले ढीले थोड़ी पजामे वाइब्स वाली जीन्स अच्छी लगती है। दिस इज ऑल्सो फॉर ₹700। नेक्स्ट वी हैव दिस ड्रेस जो हमने जीन्स वाले भैया की दुकान से ली थी, इनकी दुकान से काफी सारी चीजें ली थी तो हमें अच्छा डिस्काउंट मिल गया था। ये तो बिल्कुल एकदम ही गोवा जैसी ड्रेस है, अभी ये ड्रेस खरीद लो तो गोवा जाओ। पीछे से बैकलेस है, इलास्टिक लगी हुई है और इसे फ्लोई सी लंबी सी ड्रेस है, बहुत बड़ी बड़ी प्रिंट है तो बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे आप ऐसे पीछे बांध सकते हो और ऐसे हीरोइन लग सकते हो गोवा में जाके। ये हमें ₹400 और इसके आगे ना नेक पे बहुत सुंदर सा वर्क भी है। हाँ जी, तो हमने ना इन्हीं की दुकान से एक और ये कुर्ती ली थी, ये प्लेन बेसिक व्हाइट कुर्ती है, बस इसके गले में और ऐसे स्लीव्स पे बहुत ही सुंदर डिटेलिंग दी हुई है, ये ऐसी बैगी सी ब्लू जीन्स के साथ बहुत कूल लगेगी। ये हमने की थी 200-250 की, ये पड़ी अपने को 300। ये हमें 300 रुपीज की पड़ी थी, पर ये मुझे बहुत अच्छी लग रही है, एकदम मस्त कॉटन मटेरियल है, परफेक्ट फॉर समर। इसमें मैं बहुत ही हीरोइन लगूंगी, फोटोज डालूंगी इंस्टाग्राम पे, प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, थैंक यू। नेक्स्ट, ये भी हमने ये जीन्स वाले भैया की दुकान से ली थी, तो ये लेते वक्त तो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, घर लाने के बाद इसका थोड़ा साइज का एक आध कपड़ा तो आता ही है स्ट्रीट शॉपिंग में, सही बात है, तो ये तब बहुत अच्छी लग रही थी, एकदम बोहो वाइट जैसी लगेगी ऐसा लगा था, मुझे कलर भी बहुत अच्छा लग रहा था, पर ये बहुत ढीली है और बहुत साइज भी थोड़ा अजीब सा है, पर हम इसको वो करवा लेंगे, फिक्स कर देंगे। हाँ, ब्राउन बोहो ड्रेस फॉर ₹500। हाँ, 500 रुपए की थी, पर अच्छी ड्रेस है, नाइस। नेक्स्ट हमने ये ड्रेस खरीद ली थी, हमें आएगी ये, सब हमें नहीं लग रहा है हमें फिट होगी, बट ये बहुत क्यूट ड्रेस, अगर हमें नहीं आएगी तो हमारे छोटे कजिन से उनको आ जाएगी, पर बहुत सुंदर है। दिस वॉज फॉर ₹350 और बहुत बहुत प्रिटी है। जो नेक्स्ट ड्रेस है वो ये ब्लैक कलर की ड्रेस है, जिसपे ना ऐसे रेड कलर से और ग्रीन कलर से थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी की गई है, बहुत सुंदर लग रही है ना, कैमरे पे तो और ज्यादा अच्छी लग रही है, मेरे पे तो और ही ज्यादा अच्छी लग रही है, आई कांट वेट टू वेयर दिस। तो ये हमने कितने की ली थी, ₹500।
रुपया 500 रुपया बहुत अच्छी। और हमें ना ये ऊपर का पार्ट छोटा चाहिए होता है और नीचे का बड़ा, ताकि हम टॉल लगे थोड़े से। उसके बाद पूरी बेटी ने ये टॉप जबरदस्ती खरीदा था, उसको भी बहुत अच्छा लग रहा था। ये एक्चुअली मैंने सिमिलर काफी ज़ारा में भी देखा था, ज़ारा में भी देखा है। हाँ, पर इसका कपड़ा बहुत पतला है, बहुत ही ज्यादा पतला है, बट ठीक है, अंदर कुछ पहन के सह लेंगे थोड़ा। ये कितने की थी? 250 रुपीज। और ये 200 रुपए की है। इस पे ना बहुत प्यारी फ्लावर्स बने हुए एम्ब्रॉयडरी पैटर्न में, आप देखो। वी हैव दिस वेरी क्यूट येलो टॉप, क्रॉप टॉप, ऐसे यू नो गर्मियों में बहुत कूल लगेगा ये। ये कितने रुपए का है भूरी बेटी? 300 रुपया। इसमें भी अगर आप देखोगे ना तो आपको डिटेलिंग दिखाई देगी हल्के से ना, इसमें फ्लावर बनाया हुआ, फ्लावर के बीच में छेद किया हुआ है, बहुत सुंदर लग रहा है। और अंदर कॉटन में और बहुत मस्त है। यस, वेरी कम्फर्टेबल, वेरी नाइस, क्यूट। देन जानवी ना ऐसे टॉप्स देख के पता नहीं क्यों पागल ही हो जाती है। और ये 200 रुपए का मिल रहा था तो हमने ही रोती हुई बच्ची को दिलवा दिया था। 200 रुपया, 200 रुपया, 200 रुपया सेल। कलर इज ट्रेंडिंग, दैट्स व्हाई आई एम ब्राउन, सो आई गॉट इट। आगे बढ़ते हुए आई गॉट दिस व्हाइट कलर का कॉलर टी शर्ट जैसा टैंक टॉप। आई गॉट दिस टैंक टॉप, ऐसा मैंने सेम H&M में देखा था और ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये हमें मिला है 250 रुपीज। रिब्ड मटेरियल है। यस यस गाइस, दिस इज रिब्ड मटेरियल, वेरी नाइस, वेरी कम्फर्टेबल, वेरी प्रिटी, 250 रुपीज ओनली। तो आपकी प्रिया आंटी जी हमारे साथ गई थी, जिनकी वजह से हमें ये सारी चीजें इतने अच्छे प्राइजेस पे मिल पाई थी। वहां पे एक्चुअली इंडियन वेयर भी बहुत अच्छा था, तो हमने मम्मी के लिए ये गाउन लिया है एंड इसके ऊपर बहुत प्यारी डिटेलिंग है, बहुत सुंदर प्रिंट है, कलर बहुत अच्छा है, मम्मी के ऊपर तो बहुत अच्छा लग रहा था। इंडियन वेयर बहुत अच्छा था पर अनफॉर्चुनेटली हमारी साइज में कुछ भी अवेलेबल नहीं था तो हम नहीं ले पाए, पर मम्मी के लिए बहुत ही सुंदर लिया है। दिस वॉज जस्ट फॉर 800 रुपीज। एंड बिलीव मी, ये तो 800 में बिल्कुल वर्थ इट। अरे बीरा में आपको 4-5 हजार। हाँ, इसकी डिटेलिंग वगैरह बहुत अच्छी, इतने सारे कलर थे, इतने सारे ऑप्शंस थे। एक हमने ये लिया है कुर्ती विथ प्लाजो, ये प्लाजो कुर्ती का सेट है, जस्ट फॉर 700 रुपीज। इमेजिन, ये तो लाइक बहुत ही अच्छा था। वो अंकल 1000 बोल रहे थे पर फिर मम्मी ने उनको पटाके 700 रुपीज में ले लिया। देन वी एक्चुअली हैव अ लॉट ऑफ नाइट सूट्स, क्योंकि हमें यहाँ पे नाइट सूट्स वैसे मिल नहीं पाते हैं लारी वाले सस्ते वाले, तो हम ये लेके आए हैं। ये एक नाइट सूट, इसका टॉप, ये इसके बॉटम्स लाइलैक कलर में है। यस, लाइलैक कलर में, लाइलैक व्हाइट ब्लैक कलर में, वेरी प्रिटी, फॉर 300 रुपीज ओनली। 300 रुपए नाइट सूट, अच्छा मटेरियल है। यस, दिस इज माय फेवरेट नाइट सूट, इस पे स्ट्रॉबेरीज बनी हुई है, काफी बड़े बड़े चड्डे हैं, बड़े कंफर्टेबल, और ये बहुत ही बड़ी सी ढीली सी टी शर्ट है, बहुत कंफर्टेबल, काफी इसे हवा आर पार हो सके उस टाइप का। 250 रुपीज, दिस वॉज जस्ट फॉर 250 रुपीज। हमने एक्चुअली जो व्हाइट कलर का टैंक टॉप है, वो ब्राउन कलर का टॉप लिया था ना, उन्हें अंकल के यहाँ से ये लिया था, बहुत अच्छा था। गाइस, तो हमने ना सिर्फ कपड़े वपड़े नहीं शॉप किए, हमने बहुत सारी चीजें शॉप की। क्रॉकरी भी हम सबसे लास्ट में जाएंगे, पहले आई विल शो यू दिस गॉगल्स। ही देखो, मेनू काड़ा चश्मा गाइस, हमने ऐसे दो गॉगल्स लिए थे, एक हमने कहाँ रखा है ये हमें थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है मेरी गाड़ी में रखा है, बट ये बहुत पता है इनके पास इतने कूल वो इंस्टाग्रामेबल प्रिंटरेस्ट वाले चश्मे होते हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये 250 रुपीज के हमने दो गॉगल्स लिए थे, उन्हीं के यहाँ से हमने ये ब्लैक बकेट हैट भी ली थी, ये 150 रुपीज की हमने ली थी। उसके बाद हमने ये चप्पल ली थी, ये ना बेसिक ब्राउन टैन कलर वाली चप्पल है, मुझे ना चप्पल चाहिए होती है, पाँव में पहननी पड़ती है, तो मैंने खरीद ली थी ये चप्पल। कितने की है चप्पल? इस पर 250 रुपीज। गाइस, ये भी मुझे घर लाने के बाद 250 रुपीज की थोड़ी महंगी लग रही है, क्योंकि चलते चलते कभी भी टूट सकती है ऐसा मुझे लग रहा है। अगर आपने हिल रोड वगैरह की चप्पल यूज की तो मुझे बताना, पर ये काफी अच्छी लगती है, इसे पाँव में पहनने का थोड़ी रिच लग रही है, अच्छी लग रही है। उसके बाद वी ऑल्सो गॉट सम फोन कवर्स, ये देखो मैंने लगा लिया, मम्मी ने मुझे दिलवा दिया था क्योंकि ये तो दिलवानी थी। मम्मी ने, दिस हैज मिरर एंड अपेरेंटली दिस इज वेरी गुड बिकॉज आई डोंट हैव मिरर इन माय वडोदरा का अपार्टमेंट, सो आई यूज दिस टू डू माय मेकअप। क्या अलग गरीबी कहानी इंडियन आइडल टाइप बताई है तूने, तो शक्ल भी नया कक्कर जैसी लगती है। आप मुंबई आ रहे हैं, कल वापस आ रहे हैं आप मुंबई। सो यस, आई गॉट दिस टू फोन कवर्स, 200 रुपीज ईच, मुझे तो काफी अच्छे लग रहे थे क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत महंगे मिलते हैं सारी चीजें, हमारे लिए 200 सही था। यस, सही था। एंड नाउ मूविंग ऑन, मैं और मेरी मम्मी तो ना, आप जैसे ही हिल रोड पे चल रहे हो आपको रोड पे एक अंकल दिखेंगे जो बहुत ही अलग और सुंदर क्रॉकरी बेचते हैं, तो हमने उनके यहाँ से ये बहुत ही सुंदर एस्थेटिक दिखने वाले जार लिए हैं। ये जार हमें 800 रुपीज के मिले हैं,
तीन जा रहे हैं 800 रुपीज में, बट दे आर वर्थ इट, बहुत बहुत सुंदर है। एंड देन वी गॉट दिस 3 पास्ता प्लेस की क्वालिटी बहुत अच्छी है, जो ऐसे अच्छे रेस्टोरेंट में मिलती है ना। बट द गुड थिंग इज ये बहुत हैवी नहीं है और बहुत पतली नहीं है। सही बात है। सो हमें ऐसे पास्ता प्लेट चाहिए थी, ये उन्होंने 100 रुपीज ईच दिए हैं, तो उनके पास कुछ सेट वुट आता है उसमें से एक आधो टूट जाती है, तो वही भैया के पास जो अच्छी होती है वो आ जाती है, वो भैया खुद ही बता रहे थे। बट ये सारी तो एकदम ही चकाचक है, तो हमको 100 रुपीज ईच ये प्लेट मिल गई, विच इज एक्चुअली वर्थ इट। एंड देन वी ऑल्सो गॉट दिस 2 ऐसे यू नो, वो इसके अंदर आप दाल चावल और कुछ भी खा सकते हो, लाइक देर नाइस सर्विंग मतलब वेरी नाइस गोल, थोड़ा डीप प्लेट। सो ये 150 रुपीज ईच मिली थी, क्योंकि एक्चुअली हमारे साथी में एक आंटी थी जो खरीद रहे थे, वो 150 रुपए में देखे गए, तो उनको भी मैंने 150 में दिया, 150 में 150 में, तो 150 पर ठीक है, मुझे ये 150 में भी अच्छी लगी। अलग चीज है, मतलब जारा का फिट मुझे पता है कैसा आएगा क्या रहेगा, पर महंगा भी है, और हिल रोड का अलग ही मजा है। सो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, आपको कौन से कपड़े ज्यादा अच्छे लगे, जारा में से फेवरेट क्या लगा, हिल रोड में सबसे अच्छा क्या लगा, जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, और मेरी तारीफ जरूर करना। जरूर करना। बट एक्चुअली जानवी ने 10,000 में जारा में से अच्छे कपड़े खरीदे। हाँ, मतलब कुछ कुछ चीजें तो ऐसा था, एक ब्लेजर और पैंट ले लो और 10,000 हो गया, 10,000 से भी ऊपर जा रहा था। हाँ, एक ब्लेजर वॉज फॉर 6,000 एंड देन पैंट फॉर अदर 5,000 or 6,000। अगर मैंने जारा में 10,000 स्पेंड किए होते तो मैं शायद इतना नहीं ला पाती। इट्स ओके, आई गिव यू मनी, इट्स ओके। सो यस, आई होप यू गाइज एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू डिड सो मेक श्योर आप लाइक शेयर कॉमेंट सब्सक्राइब करना, कॉमेंट करके बताना आपको और ऐसे कौन से मार्केट का एक्सप्लोरिंग वीडियो चाहिए, अगर आपकी सिटी में हम कुछ कर सकते हैं तो कॉमेंट करके जरूर बताना। आई एम सी माई नेक्स्ट टाइम, तब तक गुड बाय, टेक केयर, बाय, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट, आई एम ऑलवेज एंड ऑलवेज एंड ऑलवेज ग्रेटफुल टू यू गाइस। टाटा।